भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर इंग्लैंड की टीम को टीम इंडिया ने 287 रनों पर समेटा और उसके बाद अच्छी शुरुआत मिलने के बाद टीम इंडिया को अपने जाल में फंसाया इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सैम करन ने। जहां शुरुआत में 50 रन जोड़ने के बाद सैम करन ने टीम इंडिया की सबसे खतरनाक जोड़ी को तोड़ा और शिखर धवन और मुरली विजय को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद केएल राहुल पहली गेंद पर तो चौका जड़ गए, लेकिन दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए। ऐसे में टीम इंडिया को बैक टू बैक तीन बड़े झटके दिए सैम करन ने। आपको बता दें कि मौजूदा समय में टीम इंडिया का स्कोर 63-3 है और विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे यहां पर क्रीज पर मौजूद हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं कप्तान और उपकप्तान से। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विराट और रहाणे यहां से क्या कर पाते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।